करनाल में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं लगातार अपराधों के बढ़ते बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह दिन दिहाड़े गोलियां मारकर फरार हो जाते हैं। करनाल की सीएम सिटी में सेक्टर 8 के एक राइस मिलर के घर बदमाशों द्वारा गोलियों से हमला करने का मामला सामने आया है। बता दें कि यह मामला सोमवार सुबह का है। राइस मिल के मालिक सुभाष सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि कार में आए चार बदमाशों ने अचानक से ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे आसपास के एरिया में दहशत का माहौल पैदा हो गया। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर एफएसएल की टीम के साथ मुआयना किया एवं आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी। सुभाष सिंगला ने बताया कि उन्हें आगे डर बना हुआ है कि कोई दोबारा भी इस तरह की वारदात कर सकता है, इसीलिए वह पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हैं। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। यहां हम आपको बता दें कि सुभाष सिंगला राइस मिलर होने के साथ साथ निसिंग और गोंदर में स्थित गौशालाओं के प्रधान भी हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले घर की घंटी बजाई और इससे पहले कि दरवाजा खोला जाता बाहर खड़े चार बदमाशों ने अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से खाली खोल भी बरामद कर लिए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस को दी गई शिकायत में सुभाष ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे परिवार के सभी लोग घर के अंदर थे। घर की घंटी बजी और गेट खोलने के लिए जैसे ही पत्नी कमरे से बाहर आई, अचानक 15 से 16 गोलियां चलाकर चार बदमाश वहां से फरार हो गए। हालांकि इस घटना में किसी को व्यक्तिगत कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन गोलियां लगने से गाड़ी के शीशे टूट गए। वहीं घर के पिलर पर गोलियों के निशान हैं। घटना के बाद राइस मिलर सुभाष सिंगला ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी। डीएसपी राजीव कुमार ने टीम के साथ पहुंचकर मौके का मुआयना किया। वहीं परिजनों ने बयान दिया कि अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि गोलियां किसने और क्यों चलाई यह अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस वारदात से सेक्टर 8 के लोग डरे हुए हैं। पुलिस आसपास के घरों में लगे कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। कुछ सवेरे 6:15 बजे कुछ चार आदमी गाड़ी में आए, बाहर उन्होंने बैल दी, हमने ही अपना दरवाजा खोले अंदर वाला, और दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने एकदम गोलियां चालू कर दी, और गोली चालू करने से हमने गेट दोबारा बंद कर लिया। मशीन ने हमारे बाहर नहीं जाने दी, उन्होंने गाली भी दी और गोली भी चला के, मतलब गोली चलाने के बाद वो मतलब जान से मारने की वो करके धमकी भी देगी और मारने की वो भी करके। कौन लोग है, कोई डाउट आपको? ना जी, मारे कोई डाउट नहीं, कोई पुरानी नहीं रंजिश, कोई पुरानी रंजिश नहीं किसी से, कोई वो नहीं। आप कहाँ जा रहे थे सुबह? हम घर ही थे, अंदर थे। अच्छा, घर से ही? हाँ। तो पुलिस को रिपोर्ट करवा दी है? हाँ, पुलिस को रिपोर्ट दे दी, पुलिस उसी टाइम आ गई थी, पुलिस ने बढ़िया कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि बेचारे सारे लग रहे हैं 6:30 बजे। आप निसिंग में काम करते हैं? हाँ, हमारा काम निसिंग में, रेजिडेंस हमारे घर है, सारे भाई हम निसिंग में काम करते हैं। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जान माल से बच के आके हमारे को खतरा है, जिस आदमी ने इतनी बड़ी कार्रवाई करी है उस आदमी का आगे बहुत बड़ा खतरा है हमारे को भी। कोई भी आदमी 4 दिन बाहर फिरते हैं, कुछ भी कर सकते हैं किसी को। तो क्या सुरक्षा ही मांग करते हैं? हाँ बिल्कुल, सुरक्षा चाहिए हमारे को। उनके बारे में कितने लोग थे ये भी क्लियर नहीं किया जा सकता, कितने लोग? आपको क्या जानकारी मिली थी? सर फोन आ रहा हमारे पास। तो क्या देखा आपने? कितने राउंड फायरिंग हुई है यहाँ पर? लगभग 14-15 राउंड। 14-15 राउंड फायरिंग? जिंदा कारतूस? हाँ जी। जिंदा कारतूस कितने मिले? 3 कारतूस। 3 कारतूस जी। देखिए क्या कार्रवाई की जा रही है? 14 राउंड फायरिंग हुई है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दरखास्त नहीं है, जैसी दरखास्त देते हैं। हमने मौके का मुआयना कर लिया, फसल टीम आ चुकी है, फसल टीम ने मौके का मुआयना करके मेरे को राउंड हवाले कर दिया। सुबह कहेंगे ये सेक्टर 8 में क्या वारदात हुई है? सेक्टर 8 में मकान नंबर 23/8 है, और इसमें एक फायरिंग इंसिडेंट सामने आया है। सुभाष जी हैं यहाँ के जो रेजिडेंट हैं, उन्होंने मतलब वो कंप्लेनेंट है इस केस में, और सुबह सुबह फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, 6:15 बजे की बात है बीच में, और इसमें जो इनिशियली कंप्लेंट लेके इनसे फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो टेकअप करेंगे, और इसमें जो भी हमारी सीआईए की टीम रहती है और लोकल थाना लेवल की टीम है वो टीमें फॉर्म करके जल्द से जल्द ये पता लगाया जाएगा कि कौन लोग थे जिन्होंने ये इंसिडेंट किया है,
और उनके खिलाफ जो सुटेबल लीगल एक्शन होगा वो ले लिया। कितनी फायरिंग हो गई है, कोई आईडिया? अभी जो अपना इन्होंने बताया है 15 से 16 राउंड फायर करे हैं, बाकी मेरी एफएसएल टीम मौके पे है, वो एक बार बारीकी से जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आएगा वो डिस्क्लोज कर। फिरौती का मामला तो नहीं प्रथम उसमें? अभी जो जैसे परिजनों से बात करी, उन्होंने कंप्लेंट दी है और इनका एज सच किसी के साथ कोई भी एनिमिटी नहीं है, बाकी इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज डिस्क्लोज कर देगी किसने क्या किया है और जल्दी जल्दी इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जंगम आयुर्वेदा, जिसने बरसों से आपका भरोसा जीता, बना आपकी जिंदगी का हिस्सा। अब जंगम आयुर्वेदा आपके लिए लाए हैं शुद्ध जड़ी बूटियों से बनाए गए खास योग किट, जिनमें शुगर के लिए जंगम डीरस योग किट, जोड़ों के जिद्दी दर्द के लिए जंगम जॉइंट पेन किट, महिलाओं में मासिक धर्म संबंधित समस्याओं के लिए जंगम स्वर्ण कलश नारी योग किट, बवासीर के लिए जंगम पाइलो किट, बेहतर पाचन के लिए जंगम पाचक रस किट, थायराइड के लिए जंगम थायरो किट, जटिल सोराइसिस के लिए जंगम सोरांत किट, पुरुषों की दुर्बलता ठीक करने में सहायक जंगम स्वर्ण कलश योग किट के साथ साथ और भी अद्भुत औषधियां। इन सभी औषधियों के लिए हमारे सभी सम्माननीय वैद्य डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स व मार्केटिंग एजेंसीज संपर्क करें। जंगम आयुर्वेदा, नीलोखेड़ी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। मोबाइल नंबर 9817098180।